नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा। शोभा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, होली आने वाली है तो मैं कुछ अलग तरह के शक्करपारे बनाऊंगी, जिसे पेठा भी बोलेंगे, मीठा मट्ठा भी बोल सकते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। ये हमने हाफ के जी मैदा ले लिया। आप कम बेसी कर सकते हैं, आप अपनी जरूरत के अनुसार ले सकते हो। डाल देंगे घी पिघला के जरूरत के अनुसार। आप अपने वनस्पति घी भी ले सकते हो, रिफाइंड तेल भी ले सकते हो, जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के ना हो। और इसे हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी हम डाल देंगे नमक। कोई भी मीठी चीज़ में आप थोड़ा सा नमक डाल दोगे तो उसमें उसका स्वाद दुगुना हो जाता है। तो अब इस घी को हम अच्छा से इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा घी कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और डाल दूंगी मैं। ये हमने देखिए अच्छा से मिक्स कर लिया। हमें कैसा पता लगे इसमें घी सही तरीके मोयन हमारा डला है कि नहीं, जैसे इजीले हमारे हाथ में ये मुट्ठी बन जाए तो इसका मतलब हमारा मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम गर्म पानी से गूंथ लेंगे, क्योंकि घी डाले ना तो थोड़ा सा हम पानी हल्का गर्म ले लेंगे। अब गर्म पानी से गूंथ के हम इसे टाइट डो रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें एक चीज़ और हम डालेंगे। इसमें हम 4 चम्मच नारियल का बुरादा डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, 4 चम्मच, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये हमने देखिए इसे टाइट गूंथ लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने आगे के प्रोसेस करेंगे। हमने कढ़ाई ले ली है। एक छोटी कटोरी से हम 2 कटोरी डेजिकेटेड कोकोनट ले लिया है, जो इसे हम थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि अगर ये हमारी पुरानी हो गई हो या हल्का सा सीलापन हो गया तो इसको फिर से हमारा फ्रेश हो जाए और थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक हमारा इसकी लाइफ सेल बढ़ जाए। ये हमारा कोकोनट रोस्ट हो गए। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, रोस्ट नहीं करेंगे। बस हो गया, हम गैस को कर दे ऑफ। अब इसको दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें 250 ग्राम जितना हम चीनी ले लेंगे, क्योंकि आटा हमारा मैदा हमारा 1/2 kg है, तो हमने चीनी 250 ग्राम ले ली है। इसमें डाल दिए 1 कप जितना पानी। ये हमारी चीनी पक गई है। इसको हम थोड़ा अभी कम पकाएंगे, क्योंकि हमारे मट्ठा होने के बाद थोड़ा सा और पकाएंगे इसको, नहीं तो अभी ठंडी हो जाए तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है इलायची पाउडर, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसे गैस को कर देंगे ऑफ। हम आगे की अब हम बनाएंगे मट्ठा। हमारा आटा भी सेट हो गया। इसे थोड़ा सा और हम स्मूथ कर लेंगे डो को अच्छे से मसल के। हमने एक लोई तोड़ लिया है। इसको हम पतली, ज़्यादा पतली नहीं बनेंगे, थोड़ा सा हम इसको मोटा ही रखेंगे। देखिए हम इतनी मोटी रखेंगे इसके लेयर को। फिर हम इसे एक कटोरी लेंगे। आप कोई भी चीज़, कोई ढक्कन या कुछ भी ले सकते हो। इस तरह से हम इसको काट लेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसको फोक से घोप देंगे, ताकि हमारा ये मट्ठा जो है तेल में जाके फूले ना और इसमें हमारा चाशनी भी अंदर तक चला जाए। ये हम इस तरह से काट लेंगे इसको, ताकि हमारा मट्ठा जो एक जैसा ही रहे, कोई छोटा बड़ा ना हो और दिखने में भी खूबसूरत लगे।
साइड के आटा को हम निकाल लेंगे। इसे गीले कपड़े से ढकते रहेंगे, बाकी का भी हम बेल लेंगे। ये हमने सब मटके बेल लिए, अब इसे हम फ्राई करेंगे। हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तेल को देख लेते हैं गरम हुए कि नहीं। ज़्यादा तेज गरम में हम नहीं डालेंगे इसको, लो टू मीडियम आंच में ही हम फ्राई करेंगे। ये देखिए ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा तेल गरम हो गया है। को एक बार पूरा गरम करके फिर गैस को ऑफ कर दिया, फिर इसे हमने ठंडा कर लिया। अब इसमें हम मट्ठियाँ डाल देंगे नीचे से। फ्लेम को हम लो में रखेंगे एक बार, और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। इसमें साथ साथ में हम पलटेंगे नहीं तो हमारे टूटने का डर रहेगा। मट्ठियाँ थोड़ा सा सिकने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। ये हमारे मट्ठी गोल्डन कलर के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हम इसे गोल्डन नहीं करेंगे, लाइट ही रखेंगे हम। और लो टू मीडियम ही आप सेकिएगा इसको, फ्राई कीजिएगा, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये हमारे गोल्डन फ्राई हो गए, अब इसे हम रख देंगे, निकाल लेते हैं, फिर बाकी का भी हम इस और तल लेते हैं सबको। फिर हमने ये देखिए सब फ्राई कर लिए, अब हम चलते हैं अपने चाशनी की तरफ। चाशनी को हमने फिर से गर्म चढ़ा दिए थे, एक तार से हमारी चाशनी बन के रेडी हो रही है। देखिए एक तार की चाशनी हमारे बन के रेडी हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 चम्मच चाशनी हम निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम डाल देंगे ये मटरी इसमें। इसमें पका लेंगे, जिससे हमारा चाशनी इसके अंदर तक भी चला जाए, हमारा जूसी सा हो जाए हमारा मट्ठियाँ। ये हमारे पकने लग गए, हम इसको हम नीचे से नीचे की तरफ से ये मट्ठियों को निकाल लेंगे एक दो करके। फिर हम इसमें एक कोकोनट जो हमने रोस्ट करके रखे थे ना, इसमें कोटिंग कर देंगे फटाफट से। ये हमारी सारी मटरी बनके तैयार हो गई है, अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर और टेस्टी बने हैं।
फ्रेंड हमारी मीठी मट्ठी बन के रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर बोलना ना भूलें। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले कोई नई रेसिपी पे। बाय।